हाय गाइस, मैं हूँ ममता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे माओ ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैंने व्यान का ब्रेस्ट फीडिंग कैसे छुड़ाया है। सो वीडियो की स्टार्टिंग में बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे जो बच्चा है उसका एज है 2 साल, और 2 साल होने से पहले ही मैंने व्यान का ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाया है, पार्शियली नॉट कम्प्लीटली। सो दिस वॉज कम्प्लीटली माई डिसीजन कि मैं चाहती थी कि पहले मैं दिन का ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना वो छुड़ाऊँ और रात का कंटिन्यू रखूँ, फिर जब मेरा मन करेगा कि रात का अभी मैं स्टॉप करना चाहती हूँ तब मैं स्टॉप करूंगी। तो इस वीडियो में मैं वही शेयर करूंगी कि मैंने मतलब किस चीज़ों को मैंने फॉलो किया है व्यान का ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने में, तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शायद वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये सवाल जरूर आएगा कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। सो मैं कहूंगी कि इट्स कम्प्लीटली अप टू यू एंड योर बेबी टू डिसाइड व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये आप और आपका बच्चा ही डिसाइड कर सकता है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपको कब छुड़ानी है। सबसे पहले मैं अपना ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी जो है ना वो आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, एंड यू नो कि सी सेक्शन डिलीवरी के फौरन बाद ही आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, तो इसलिए डॉक्टर ने व्यान को फॉर्मुला मिल्क रिकमेंड किया था। तो व्यान को 1.5 डे मतलब देर दिन व्यान को फॉर्मुला मिल्क पिलाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क मेरी आने लगी थी। और जब ब्रेस्ट मिल्क आने लगता है तब डॉक्टर कंप्लीटली फॉर्मुला मिल्क स्टॉप करने के लिए कहते हैं, तो फॉर्मुला मिल्क तब से स्टॉप किया गया। और सो उस दिन से लेके 6 महीने तक मैंने व्यान को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराया है। तो उस बीच ना ही मैंने व्यान को कभी पानी पिलाया, ना ही मैंने व्यान को कोई फॉर्मुला मिल्क दिया, नथिंग, कुछ भी नहीं। व्यान सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के ऊपर ही था। और 6 महीने बाद से जब मैंने व्यान को थोड़ा बहुत खाना के साथ मैंने इंट्रोड्यूस कराना स्टार्ट किया, उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग जो था वो कंटिन्यूअसली चल रहा था। तो व्यान को मैंने कैसे खाना देना स्टार्ट किया और कब कब मैं खाना देती थी, तो उसके ऊपर मेरे चैनल में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, आप चाहे तो वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। और तो 10 महीने ऐसे ही चलता गया, और 10 महीने बाद मैंने क्या किया, हमारा जो खाना था ना, हम जो खाते थे, तो वो खाना मतलब घर पर बना हुआ वो दाल चावल सब्जी जो है ना वो बिना मिर्ची के और बहुत ही कम ऑयल, बहुत ही कम मसाले से बना हुआ खाना, वो खाना मैं थोड़ा बहुत करके व्यान को मतलब टेस्ट कराती थी जब व्यान का 10 मंथ्स हो चुका था तब। तो 2 मंथ्स तक मैंने व्यान को खाना मतलब हर तरह का खाना खिलाया जो हम लोग खाते थे घर का बना हुआ। जब व्यान का एज 1 साल हो चुका था, तो 1 साल बाद व्यान को मैंने ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वही सर्व करती थी जो हम लोग खाते थे। तो तब से व्यान का हमारा खाना स्टार्ट किया था, और तब मैंने व्यान का जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना वो भी धीरे धीरे मैंने कम करना स्टार्ट किया था। तो नैप लेना था तब, तो वो ऑफकोर्स ब्रेस्ट फीडिंग करता ही था। तो उसके अलावा अगर बेबी को कभी भूख लगता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग लेता था, तो मैं तब नानी बोलती थी। लेकिन अगर कभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी बच्चे को भूख नहीं है लेकिन फिर भी वो ब्रेस्ट फीड करना चाहता था, तो तब मैं क्या करती थी कि व्यान को कोई भी खेल या फिर और कोई भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ों में मैं ऐसे इन्वॉल्व कराती थी ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भूल ही जाए। तो ऐसे करते करते जब व्यान का 15 मंथ्स हो गया तब वो दिन के टाइम जस्ट 2 से 3 बार ही लेता था ब्रेस्ट फीड, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर इस साल के मई महीने में मैंने ये डिसीजन लिया था कि मुझे अभी व्यान का ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ानी है। व्हेन व्यान वाज 22 मंथ्स ओल्ड, जस्ट 2 महीने ही बचा था व्यान के 2 साल होने में। तो मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था, बिकॉज आई वॉज फीलिंग रियली रियली टायर्ड। व्यान बड़ा हो रहा था, और जब बच्चा बड़ा होता है तब सिर्फ फीड लेने के लिए ही नहीं, ऐसे भी वो लोग डिमांड करते हैं। और फिर मतलब 40-45 मिनट्स या फिर कभी कभी 1 आवर हो जाता है वो ऐसे ही मतलब नीपल मुंह में लेके बैठा रहता है, और मैं घंटों ऐसे बैठी रहती थी व्यान को गोदी में लेके। फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब फिजिकली मेंटली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करती थी। इसलिए तो मैंने फिर डिसीजन लिया कि नहीं, अब बस बहुत हो चुका है, अभी मैं व्यान का ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाऊंगी। पार्शियली दिन का मैं छुड़ाती हूँ, रात को व्यान अच्छे से नींद लेता है, बहुत ज़्यादा बार उठता नहीं है, तो रात का मैं रखती हूँ फिलहाल के लिए। जब मेरा मन करेगा तो मैं रात का भी छुड़ाऊंगी। तो मैंने कैसे छुड़ाया था, जो मम्मी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया मैं उसके ऊपर ही गई थी, तो कि कुछ करवा सा आपके निपल में लगा लो फिर बच्चा नहीं खाएगा, धीरे धीरे छोड़ देगा। तो मैंने क्या किया, मेरे फ्रिज से करेला निकाला, करेले का एक पतला सा स्लाइस काटा, एंड मैंने निपल में अच्छे से रब किया, बहुत ही अच्छे से रब किया ताकि वो करवा हो। और फिर जब व्यान ने ब्रेस्ट फीडिंग का डिमांड किया तब मैं बिना एक्सप्रेशन के मैं नॉर्मली गई और व्यान को फीड देने गई। फिर व्यान जब
मतलब निपल को मुंह में लिया तो व्यान को करवा लगा, व्यान अचानक से हट गया। व्यान ने फिर मुझे मेरी तरफ देखा तो मैंने ऐसे ही देखा कि क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो। व्यान बोल रहा है एह। मैंने फिर से उसके मुंह में निपल को डाला, फिर से वो हट गया। फिर व्यान मेरे गोदी से हट ही गया तो मैंने कहा कि क्या हुआ, आप दूध नहीं पीना है। उसने कहा कि ए तो मैंने कहा कि दूध में ए है, ए मीन्स व्यान के लिए गंदी चीज़ें, ठीक है, तो दूध में ए है। तो मैंने कहा कि हाँ तो अभी तो दूध में ए है। तो मैंने उसको ना फिर ऐसे समझाया कि दिन के टाइम दूध में अभी ए रहेगा, फिर रात के टाइम वो दूध ठीक हो जाएगा। फिर तो ऐसे ही चला, व्यान ने फिर डिमांड नहीं किया। और जब व्यान को दूध नहीं मिला ना तो मैं मेरे अंदर से बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी कि बच्चा ने दूध मांगा पर मैंने नहीं दिया। तो पहले पहले ना थोड़ा बहुत गिल्ट आपके अंदर भी होगा, तो मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा गिल्ट थी। पर तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अभी मुझे थोड़ा सा खुद के लिए टाइम चाहिए, तो उसके लिए मैं ये कर रही हूँ। तो ठीक है, एक ना एक दिन तो छुराना ही है, तो चलिए अब से स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ घंटे बाद मैंने जब फिर से डिमांड किया, मैंने फिर से रब करके मतलब अच्छे से करवा करके मैं फिर से उसके पास गई, उसको फिर करवा लगा तो वो हट गया। तो सन मून उसको अच्छे से पता है, तो मैंने उसको कहा कि जब तक सन दिखेगा तब तक दूध में ए रहेगा, और जब मून आ जाएगा तब दूध फिर से मीठा हो जाएगा। तो ऐसे मैंने उसको समझाया, तो पता नहीं उसको समझ में आया या नहीं। तो फिर उसने नहीं मांगा, फिर रात के टाइम मैंने बिल्कुल क्लीन करके मैंने उसको अच्छे से दिया, तो उसने पिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। तो मैंने कहा कि देखो अभी मून आया है ना, तो इसलिए दूध अभी बिल्कुल ठीक है। जब नेक्स्ट डे व्यान ने फिर से दूध मांगा तो मैंने उसको ऐसे ही दिया, मतलब करवा करके दिया, तो फिर से वो नहीं पिया, फिर से बोलने लगा ए ए ए ए ए, तो वो खुश होकर बोलने लगा कि ए ए अभी ए है ना। तो मैंने कहा कि हाँ अभी तो ए है, तो अभी तो नहीं पियोगे, तो रात जब आएगा तब पियोगे। तो ठीक है, वो ना उस दिन समझ गया, ज़्यादा कुछ हंगामा नहीं किया। तो फिर रात को व्यान ने दूध पिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब व्यान ने फिर से दिन में दूध मांगा तो उसको मैंने नहीं दिया, लेकिन ऐसे समझाया कि अभी तो दूध में ए है, तो तुम क्या ये दूध पियोगे। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तो मैंने कहा कि ठीक है जब मून आ जाएगा तब दूध में ए बिल्कुल नहीं रहेगा, मीठा हो जाएगा, तब तुम तब पीना। तो उसने तब राजी हो गया था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे व्यान ने बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा किया था। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो डिमांड कर रहा था, और ना मेरे घर में तब करेला ख़त्म हो गया था। तो इस टॉपिक में मैं ना ये बात कहूँगी कि आप बेबी को ना कभी झूठा दावा मत करना। मतलब आप जो भी बच्चे को जो भी प्रॉमिस करते हो या फिर जो भी बोलते हो, हमेशा उस चीज़ में खरे उतरने की कोशिश करना। जैसे तब मेरे पास करेला नहीं था, अगर बच्चा दूध मांग रहा है तो मेरे मतलब मेरा बस वही था, अगर दिन में वो दूध चाहेगा तो उसको करेला रब करके मुझे देना होगा, तो फिर वो नहीं पिएगा। लेकिन तब मेरे घर में करेला फिनिश हो गया था, तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने उसको ऐसे ही समझाने लगे, लेकिन उसको दूध चाहिए ही चाहिए, उसको पता नहीं क्या रत लग गया था, उसको दूध चाहिए ही चाहिए। अभी मेरे पास करेला नहीं है, तो अभी मैं ऐसे अगर दूध दूं तो उसको पता चल जाएगा कि अभी तो दूध ठीक है तो मैं पी सकती हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम लोग तो ब्रेस्ट फीड छुरा ही नहीं पा रहे हैं बच्चे का, वो इसलिए कि आप आपके डिसीजन पे अड़े नहीं रह रहे हो। आपको अड़े रहना है, बच्चा चाहे जितना भी हंगामा करे, जो भी करे, दुनिया इस साइड से उस साइड कर दे, आपको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना है। सो व्यान उस दिन बहुत हंगामा कर रहा था, तो मैंने उसको अच्छे से समझाया कि अभी नहीं है, अभी ए है दूध में। तो व्यान ने मतलब कुछ भी उसको सुनना नहीं है, कुछ भी सुनना नहीं है, उसको पीना ही है। तो मैं भी अरे रही, नहीं बच्चा अभी नहीं पीना है, अभी नहीं पीना है, अभी नहीं पीना है। उस टाइम में आपको खुद को काम डाउन रखना है, और बच्चे के मतलब हम लोगों के अंदर जो ममता होता है ना, उसमें हम लोग बह जाके बच्चे को इतना रो रहा है दे देती हूँ। तो ये जो गलती करते हैं ना हम लोग, ये कभी मत करना। जो डिसीजन लिया कि छुराना है मीन्स छुराना है, बच्चा चाहे जो भी बोले, मैंने नहीं दिया, बहुत रोया, मैंने नहीं दिया। तो ये ऐसे ही चलता रहा, और फिर मैं हमेशा करेला रखती थी। अगर फिर भी कभी ऐसा हंगामा करे तो फिर मैं करेला रब करके देती थी, वो नहीं पीता था। धीरे धीरे उसको ना समझ में आ गया कि दिन में दूध में ऐ रहता है तो उसको नहीं पीना है ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ही हार्ड डे जाता है, उसको दूध पीना ही पीना है, दूध पीना ही पीना है,
और उस दिन ही मेरे पास करेला नहीं होता है। और तब अगर मेरे घर में कोई बड़े होते हैं ना, अगर मेरे मम्मी या फिर मेरे सासूमा होता है ना, ऐसा हो भी चुका है मेरे साथ, तो वो लोग ने मुझे कहा कि दे दो इतना रो रहा है, दे दो। मैंने कहा कि नहीं नहीं देना है बच्चे को। तो चाहे जो कोई भी कुछ भी बोले, आपको नहीं देना है मीन्स नहीं देना है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ही आप छुड़वा पाओगे, वरना आप नहीं छुड़वा पाओगे। तो उसके बाद किसी दिन मांगा तो किसी दिन उसको खुद ही रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं ऐ है दूध में मुझे नहीं पीना है। तो किसी दिन बहुत ज़्यादा मतलब डिमांडिंग होने लगा तो मैंने नहीं दिया। तो ऐसे करके करके एक डेढ़ महीना ऐसे ही निकल गया। और फिर उसके बाद ध्यान को कम्प्लीटली समझ में आ गया कि दिन में मुझे दूध नहीं मिलेगा, दूध में ऐ है तो नहीं मिलेगा दूध। तो अभी ना मतलब कभी भी नहीं मांगता है दिन में व्यान। पहले जैसे अगर मेरे पास सोने के लिए आता था ना तो व्यान को दूध चाहिए होता था। तो अभी व्यान मेरे पास दिन में आके ऐसे ही गोदी में सो जाता है। उसको बस गाना चाहिए होता है, एक म्यूजिक चला के उसको ऐसे थपथपा के मैं उसको सुला देती हूँ। तो ऐसे ही सोता है व्यान, कोई भी दूध मांगता नहीं है, कुछ भी नहीं, व्यान ने ऐसे ही छोड़ दिया है। सो बस ट्रिक जो है ना वो यही है। हम सबके पास अलग अलग ट्रिक होता है बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने का, लेकिन बात यही है कि आपको अड़े रहना है जो भी आपने डिसीजन लिया उस पर। चाहे कुछ भी हो जाए, हम ममता में आके बच्चे को फीड नहीं देंगे। अगर दे देंगे तो फिर से हम लोग मतलब जीरो से स्टार्ट करेंगे, ऐसा हो जाएगा। और फिर बेबी को लगेगा कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं, जो कि हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो जो भी आप डिसीजन लेना उस पर अरे रहे कि अभी नहीं है मीन्स नहीं है। अगर आप चाहते हो तो ऐसे कम्प्लीटली भी छुड़ा सकते हो। तो अभी मैंने दिन का ब्रेस्ट फीडिंग मैं कम्प्लीटली छुड़ा चुकी हूँ। व्यान दिन में बिल्कुल भी डिमांड नहीं करता, मतलब भूल कर भी व्यान डिमांड नहीं करता। और रात को सोते टाइम व्यान को ब्रेस्ट फीडिंग मैं कराती हूँ। और फिर एकदम अर्ली मॉर्निंग व्यान एक बार उठता है तो तब मुझे उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, तो तब मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ। और मतलब एक बार बिस्तर से जब मैं उठ जाऊँ उसके बाद ना व्यान डिमांड करता है ना मैं व्यान को देती हूँ। तो ये हमारा रूल्स है, जब हम लोग बेड पे सोने जाएंगे तभी व्यान को मिलेगा, बेड से उतरने के बाद व्यान को नहीं मिलेगा। और रात को व्यान ज़्यादा नहीं उठता है, इनकेस अगर व्यान को कोई सपना वपना आता है तो अगर उठ गया तो बच्चा फिर से मतलब थोड़ा सा ब्रेस्टफीड करता है, तो वो जस्ट 5 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसलिए मैंने अभी भी नहीं छुड़ाया रात का ब्रेस्टफीडिंग। आई एम कम्फर्टेबल विद इट। जब मुझे लगेगा कि रात का भी छुड़ानी है तब मैं ज़रूर छुड़ाऊंगी। सो बस यही था आज का ये वीडियो, मुझे यही शेयर करनी थी मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है ना देन प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और जिसको भी ये वीडियो की जरूरत है उसके साथ जरूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।